नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज़, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय गर्वाल। करीब 8 साल पहले महज 22 साल के एक युवा ने गुजरात की राजनीति में उबाल ला दिया था। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दबदबा माना जाता था। इसके बावजूद 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति की महाक्रांति रैली में लाखों लोग जुट गए। इन लोगों की मांग पाटीदारों यानी पटेलों को ओबीसी में शामिल करने और आरक्षण देने की थी। इस रैली का नेतृत्व हार्दिक पटेल ने किया, जो उस समय केवल 22 साल के थे। इस रैली ने हार्दिक पटेल को अचानक से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था। इस आंदोलन ने गुजरात की राजनीति पर इतना असर डाल दिया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलन के बाद हुए 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 99 सीटों के साथ मामूली सी बहुमत मिली। तब हार्दिक पटेल राज्य में कांग्रेस का चेहरा बनी हुई थे। एक समय हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था और 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया था। लेकिन बदलते दौर के साथ हार्दिक पटेल आज बीजेपी से निर्वाचित विधायक है। लेकिन हालत यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है, उसमें हार्दिक पटेल का नाम तक नहीं है। बीजेपी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ कई स्थानीय नेताओं को इस सूची में जगह दी है। इस लिस्ट में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल, विजय रूपाणी, नितिन पटेल, हर्ष सांघवी, कुंवरजी बावड़िया और गोधन झड़पिया जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें हार्दिक पटेल के सहयोगी रहे अल्पेश ठाकुर का भी नाम है। लेकिन कभी गुजरात समेत अन्य राज्यों में क्राउड पुलर माने जाने वाले हार्दिक पटेल का नाम इस सूची में नहीं है। इसको लेकर गुजरात में अब काफी चर्चा हो रही है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने कहा कि हार्दिक पटेल जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब वे विधायक नहीं थे और अब वे विधायक हैं। बीजेपी का हर विधायक पार्टी का स्टार प्रचारक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हार्दिक पटेल सुरेंद्रनगर लोकसभा सीट के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूची में नाम है या फिर नहीं, वे अभी भी प्रचार कर रहे हैं। तभी ने कहा कि स्टार प्रचारक को सूची में शामिल नहीं करना पार्टी का निर्णय है और हार्दिक भाई पार्टी के सदस्य हैं। स्टार प्रचारक की सूची में नहीं होने का कोई असर हार्दिक पटेल पर बिल्कुल भी पड़ता नजर नहीं आ रहा और ना ही इन पर कोई असर पड़ेगा। वो कहते हैं कि फिलहाल मैं सुरेंद्रनगर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहा हूं और मेरे पास इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी है। हार्दिक पटेल ने कहा कि स्वाभाविक है कि मैं पहले अपने क्षेत्र में प्रचार करूं और यहां पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की कोशिश भी करूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात चुनाव के बाद वो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी प्रचार करने जा सकते हैं, लेकिन उनकी पहली जिम्मेदारी गुजरात में अपनी लोकसभा सीट है। तमाम दर्शकों को बता दें कि पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल अपने भाषणों से भी काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी वे खासी लोकप्रिय थे। तमाम मीडिया चैनलों के साथ अपने इंटरव्यू में बेबाकी से राय रखते थे। उस समय हार्दिक पटेल अपने भाषणों में कहा करते थे, अगर हम बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो गुलामी का समय आ जाएगा। वे अपने भाषणों में लगातार बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे जुबानी हमले करते थे। इससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ही ऊपर जा रहा था। हार्दिक पटेल 2017 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के फेसबुक लाइव को 52,800 लोग देख रहे थे। उनके इस लाइव ने खूब चर्चा बटोरी। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लाइव के कारण हार्दिक को फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से निमंत्रण भी मिला था। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश आचार्य कहते हैं कि हार्दिक पटेल एक करिश्माई वक्ता है। वे एक अद्भुत और जुझारू नेता है। जब बीजेपी के सामने
कोई नहीं था तब उन्होंने बीजेपी की मजबूत ताकत की नींव हिला दी थी। पाटीदार आंदोलन के बाद भी हार्दिक पटेल की छवि पाटीदारों के नेताओं के रूप में काफी हद तक लगातार लंबे वक्त तक बरकरार रही। कांग्रेस में जाने के बाद हार्दिक को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक उस समय भी हार्दिक पटेल की लोकप्रियता बहुत अच्छी थी। उस वक्त खासकर पाटीदारों का एक युवा वर्ग हार्दिक पटेल के साथ माना जा रहा था, लेकिन उनके बीजेपी में जाने से अब क्या असर हुआ? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार जगदीश आचार्य कहते हैं कि जहां तक मौजूदा हालत की बात है तो पाटीदारों के बीच भी उनकी छवि वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। वो कहते हैं कि हार्दिक पटेल अब पाटीदारों के नेता नहीं रहे और उनका कद अब अपनी ही समुदाय अपने ही पाटीदारों में छोटा हो गया है। बीजेपी में शामिल होने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार कौशिक मेहता कहते हैं कि पाटीदारों ने आंदोलन में उनकी आर्थिक रूप से भी काफी मदद की थी, यानी कि आर्थिक रूप, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल, लेकिन राजनीति में उतरने से पाटीदारों के बीच उनकी छवि खराब हुई और अंततः बीजेपी में जाने के साथ वो पाटीदारों का भरोसा भी हार गए। जगदीश आचार्य का मानना है कि हार्दिक पटेल आज अगर कांग्रेस में होते तो पाटीदारों के सबसे बड़े नेता होते। वहीं कौशिक मेहता का मानना है कि अगर हार्दिक कांग्रेस में रहते तो उनकी स्थिति और छवि क्या होती, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की स्थिति गुजरात में बेहद खराब है और इसका उदाहरण साफ तौर पर 2022 के आखिर में हुए राज्य के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने दिखा दिया था। हार्दिक पटेल और बीजेपी के साथ पर जगदीश आचार्य कहते हैं कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि इससे पाटीदार आंदोलन खत्म हो जाएगा। वे कहते हैं कि हार्दिक पटेल एक बड़े ही शक्तिशाली नेता थे, पाटीदारों के बीच लोकप्रिय थे और भविष्य में बीजेपी का नेतृत्व कर सकते थे। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें येन केन प्रपूरण पार्टी में शामिल कर लिया। कौशिक मेहता भी मानते हैं कि हार्दिक पटेल को बीजेपी में लाने का मकसद गुजरात में विपक्ष की भूमिका को खत्म करना था। उनका कहना है कि बीजेपी ने उनका जितना राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता था कर लिया है और इसके चलते हार्दिक पटेल का राजनीतिक कद और महत्व अब कम हो गया है। जगदीश आचार्य कहते हैं कि पाटीदार भी काफी परेशान है और अगर हार्दिक प्रचार पर निकलते तो पाटीदार भी उनका विरोध कर सकते हैं और एक नया ही मुद्दा खड़ा हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को भी ये सोचने पर विपश हो जाएगा कि वो आखिर भाजपा में क्यों आए, इसलिए बीजेपी ने उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया है। कौशिक मेहता के मुताबिक हार्दिक पटेल के इस मामले को दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। वो कहते हैं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपना सारा दांव 36 साल के अन्नामलाई पर लगा दिया है। गुजरात में बीजेपी ने हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को विधायक तो बनाया लेकिन मंत्री नहीं। मेहता कहते हैं कि उधर कांग्रेस में भी हालत कुछ ऐसे ही है, वहां जिग्नेश मेवानी विधायक है लेकिन कांग्रेस की हालत बेहद नाजुक है। गुजरात में युवा नेताओं को अन्य राज्यों की तरह मंच नहीं मिलता। इस मुद्दे पर एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी का कहना है कि जब हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और भाजपा में शामिल हो गए। वो कहते हैं कि किसे पार्टी को प्रचार में रखना है या नहीं रखना है ये पार्टी तय करती है। बीजेपी उन्हें क्या पद देगी और उनका इस्तेमाल कैसे करेगी, उनका कद बढ़ेगा या घटेगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसका फैसला जनता करेगी। अब जनता क्या मानती है, क्या हार्दिक पटेल लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 की 26 सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ा प्रचार करके बड़ा खेल कर सकते हैं, क्या मानना है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़।